पब्लिक की डिमांड थी तो भावुक को आना पड़ा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज चुके हैं और आज जा रहे हैं अपने आरंग झांकी में 12 बेस और 40 सारपी लेके। जो 40 सारपी बंधाए नहीं है अभी, वो सुबह जाके बांधेंगे। अभी निकल चुके हैं और अपन निकले हैं अभी खास तीपरा से, अपने बिलासपुर से, और नए बस स्टैंड के पास खड़े हैं और फिर जाएंगे आगे। और ये सेटअप आरंग में अभी जाके 40 सारपी बनाएगी, उसके बाद फिर अगले दिन जाएंगे कहाँ, खरोरा और फिर रायपुर। तो तीनों जगह इस 12 बेस के साथ मचाने वाले हैं धूम। तो आप बने रहना इस वीडियो में एंड तक, ठीक है? तो बहुत मजा आने वाला है। और हमारे भाई लोगों पर अभी भी सेटिंग वेटिंग में लगे हुए हैं, पट्टे वट्टे मारने में। तो आप देख लो, विनायक भाई और हमारे दीपक भैया लगे हैं एकदम पट्टा मारने में, और मैं तो ठला आदमी ठीक है, क्या बोलूं। और बस देखते रहना हमारा ब्लॉग, बहुत मजा आएगा आज। तो ठीक है, बाय बाय। तो मिलते हैं आरंग में। तो हम लोग फाइनल बिलासपुर से निकल के इस पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं डीजल डलाने के लिए। गाड़ी इतना हिल रहा है भाई, और हमारे दीपक लाइट वाले भैया इतना सो रहे हैं आंख बंद करके और डीजल टैंक पहुंच गए हैं, और हमारी सिस्टम इधर है और मशीन इधर, जो मशीन अभी दिख नहीं रहा। और उसके बाद फिर निकलेंगे इस रोड से रायपुर रोड, और वो रहा हाई कोर्ट। तो फाइनल हम लोग डीजल डलवाने के बाद फिर निकल चुके हैं अपने बिलासपुर से। देख सकते हैं हमारे बिलासपुर से रायपुर नेशनल हाईवे की जबरदस्त लाइटिंग, और गाड़ी हिलने के कारण मेरा कैमरा भी बहुत हिल रहा है। और इसी रोड से पहुंचेंगे आरंग, इस रोड से इधर मुड़ेंगे फिर पहुंचेंगे आरंग। लो अब यहाँ भी पहुंच गए अपने बिलासपुर से बाहर टोल प्लाजा में, और देखते हैं यहाँ से हमारी सिस्टम निकल पाती है कि नहीं, क्योंकि हमारी सिस्टम तो बहुत चौड़ा है। नहीं निकलेगा भाई, लेकिन हम घुसे नहीं। हेलो गाइस, तो मैं सो के उठ गया हूँ और ऐसा दिख रहा है भैया, बंद कर दे आके इधर, सबके सब साउंड चेक करने के लिए रेडी बैठे हैं। और दिन में सेटअप कुछ इस तरह दिख रहा है, देख सकते हो 12 बेस। और आज सिस्टम कुछ ऐसा ही रहेगा, और इसमें अभी लाइट बांधने के बाद फिर सेटअप तो और जस्ट डबल टाइगर हो जाने वाला है। व्हाइट टाइगर तो है ही, और बहुत खतरनाक देखने वाला है आरंग झांकी में। सारपी का स्ट्रक्चर हमारे दीपक भाई लोग बांध रहे हैं, और अभी बहुत सारा स्ट्रक्चर लगना बाकी है, तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा अभी। रेडी होने के बाद हमारे कुछ सारपी भी बंधा चुका है अभी, और दो गाड़ी लगी है सारपी लाइट की, और हमारे भाई लोग भी फुल मेहनत में लगे हैं, हमारे डीजे भाई, राघव भाई, दीपक भैया, ए दीपक भैया, और हमारे जितने भी दोस्त हैं सब मस्त काम में लगे हैं। अभी 40 सारपी बंधना है, अभी 8 ही बंधा है कहा तकलीफ भाई थे कोनी में दर्द है इसके
ये ऊपर से गिरा है नीचे कोहनी के बाहर कोहनी बाहर गिरा है। और हमारे सेटअप का 90% लाइट लगभग बंधाई चुका है, देख सकते हो ऊपर भी और इधर साइड भी, इधर नीचे है बस कुछ बचा है, बस इतना ही बचा है, बाकी फिर सब हो ही गया। और ये देखो 2-4-6 बस बचा है, बाकी सब रेडी है, फिर इसका भी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रात भर मेहनत किए और आज पूरे दिन भर मेहनत किए तब जाके ये इतना बड़ा सेटअप खड़ा हो चुका है, 12 बेस और 40 सारथी का वाइट टाइगर जिसको हम लोग बोलते हैं। और हमारे साथ है दीपक लाइट, विनायक साउंड तो आप जानते हैं, और वो बड़े बगल वाले भैया को तो जानते ही होंगे, बताना चाहूँगा। और आज आरंग झांकी में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, और इसी सेटअप में पूरे धूम मचाने में पूरे आरंग में, तो आज दिखाऊंगा आपको कि क्या माहौल बनाते हैं आरंग में। तो ठीक है, आज के यही सेटअप है, देख सकते हो। ये रहा आज का हमारा भारी भरकम सेटअप, 12 बेस और 40 सारथी का। और हमारा सिस्टम इस 1109 आइसर में बनाया हुआ है, ठीक है। और आपको आज की मशीन भी दिखाने वाला हूँ कि किस चीज़ में अपन चला रहे हैं, और इसका फ्रंट भी दिखाना चाहूँगा आपको गाड़ी का। कुछ इस तरह है फ्रंट का सेटअप, सामने भी 4 टॉप लगाया हुआ है, और इधर साइड में लीजिए विनायक का बोर्ड लगा हुआ है। और ये रहा आज का हमारे A+ का 7 मशीन और 2-4 चैनल वाला HHH, और 7 A+ में आज चलने वाले हैं, 12 बेस और कुछ लाइनरे और टॉप, और बाकी नीचे का सिस्टम आप देख ही रहे हैं। और मेरे पीछे है DG, तो DG भी दिखाता हूँ, तो उसके लिए मेरे को उड़ना पड़ेगा। ये है उसका नाम, और ये रहा 125 KV का DG जो आपको पूरे अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। और फ्रंट में है 4-2 टॉप, और ये हमारे बैक का सारफी और कुछ टॉप लाइनरे और कुछ एक लाइट हमारे फोकस के लिए, देख सकते हो। DJ विनायक बिलासपुर और हमारे दोस्त लोग भी सारे बैठे हैं। चलो चलो, ये देखो कुछ इस तरह है सेटअप। आगे और अपन स्पॉट पे पहुंच गए हैं, और लाइटिंग का प्रोग्रामिंग हो रहा, अपने दीपक भाई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी दिखाता हूँ, दीपक भाई प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे दीपक भैया पब्लिक की डिमांड थी तो भाव को आना पड़ा।
Oh,